हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हर्ष एंड आप सभी लोग का स्वागत है यार हमारी एक और नई और शानदार वीडियो में, जहां पर आज मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं टॉप 10 गेम्स फॉर हाई एंड पीसी। तो अगर आप लोग के पास एक पावरफुल पीसी है तो आप लोग ये इस वीडियो पे बने रहो, एंड अगर आप लोग के पास एक पावरफुल पीसी नहीं है तो आप लोग ये इस वीडियो को यहीं पे लीव कर सकते हो, क्योंकि आगे जो है वीडियो आप लोग के किसी भी काम का नहीं होने वाला है। तो वो कौन से 10 गेम्स हैं उनके बारे में जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि यार आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो है वीडियो को देखते तो हैं बट उसको लाइक नहीं करते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड आप लोगों को तो पता है यार एक वीडियो को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, तो उसके लिए जो है आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि यार मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होता रहूँ आप लोग के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आई होप यार आप लोग समझोगे एंड वीडियो को लाइक भी करोगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। बाकी यहाँ पे जो गाइस हमारा 10th नंबर पे गेम निकल के आता है वो है गोथम नाइट्स। ये एक एक्शन पैक्ड ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि डीसी यूनिवर्स के बैटमैन के साथ जुड़ता है, लेकिन इस बार बैटमैन खुद नहीं है हमारे साथ क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। गोथम सिटी की सुरक्षा उनके प्रोटेजीज यानी कि नाइटविंग, बैटगर्ल, रेडहुड और रॉबिन के हाथों में है। आपको इन चारों सुपर हीरोज का रोल प्ले करके गोथम सिटी के क्राइम और मिस्ट्री को सॉल्व करना है। गेम प्ले में आपको अपने पसंदीदा सुपर हीरो को चुनना है और गोथम सिटी के डार्क स्ट्रीट्स, रूफ टॉप्स और आइकॉनिक लोकेशंस को एक्सप्लोर करना है। आपको मिशंस कंप्लीट करने होंगे, पजल सॉल्व करने होंगे और विलेन के साथ एपिक बैटल्स लड़ने होंगे। हर सुपर हीरो की अपनी यूनिक एबिलिटीज, गैजेट्स और फाइटिंग स्टाइल्स हैं जिन्हें आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस के साथ। गोथम नाइट्स में आपको सिंगल प्लेयर और कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों देखने को मिल जाते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड में टीम अप करके मिशंस को सॉल्व कर सकते हैं और गोथम सिटी को साथ मिलकर बचा सकते हैं। गेम की ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स काफी इंप्रेसिव है, जिससे गोथम सिटी का डार्क और ग्रिटी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। इसके अलावा गेम का नरेटिव भी इंगेजिंग है और डीसी कॉमिक्स के आइकॉनिक कैरेक्टर्स के इंटरेक्शंस और स्टोरीज भी आपको गेम में एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप एक हार्डकोर डीसी कॉमिक्स फैन है या फिर एक्शन पैक्ड गेम्स का शौक रखते हैं तो गोथम नाइट्स आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है। ये गेम आपको इमर्सिव गेम प्ले, थ्रिलिंग स्टोरी लाइन और गोथम सिटी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ एक मजेदार एक्सपीरियंस देने वाला है। तो इस गेम को आप लोग एक बार ट्राई जरूर मारना। बाकी यहां पर हम लोग बढ़ते अपने लिस्ट में आगे की तरफ। सो गाइस, यहां पे जो हमारा 9th नंबर पे गेम आता है वो है ईविल वेस्ट। बात करें इस गेम की तो ये एक डार्क फैंटेसी एक्शन गेम है जहां आप सुपर नेचुरल पावर्स, मॉन्स्टर्स और थ्रिलिंग गेम प्ले का मजा ले सकते हैं। ईविल वेस्ट की कहानी अमेरिकन फ्रंटियर में बेस्ड है, जहां आपको वैम्पायर्स, मॉन्स्टर और दूसरे अजीब क्रिएचर से लड़ना होगा। आपको अपने वेपन्स, मैजिकल एबिलिटीज और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी और दुनिया की सुरक्षा करनी होगी। गेम प्ले में आपको वास्ट ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जिसमें हर कोना जानलेवा होगा और मिस्ट्री से भरा होगा। आपको डाइवर्स एनिमीज और बॉस बैटल्स का सामना करना होगा। ईविल वेस्ट में आपको फास्ट पेस कॉम्बैट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें आपको गन्स, स्वॉर्ड्स और पावरफुल मैजिक का यूज करने का मौका मिलता है। गेम में आप लोगों को कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिलता है, जहां आप अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप करके मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैलेंजिंग मिशंस और सर्वाइवल मोड्स को टैकल कर सकते हैं। गेम की ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं, जो डार्क और ईरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्शन, सुपर नेचुरल और थ्रिलिंग गेम्स के शौकीन है तो ईविल वेस्ट आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है, जिसको आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहां पर हम लोग बढ़ते अपने लिस्ट में आगे की तरफ। तो गाइस, यहां पे जो हमारा 8th नंबर पे गेम आता है वो है फार क्राई न्यू डाउन। फार क्राई न्यू डाउन फार क्राई 5 के यूनिवर्स में बेस्ड है, लेकिन इसमें आप लोग को नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। गेम एक ग्लोबल न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी के 17 साल बाद सेट है, जहां प्रकृति ने जमीन को वापस अपने कब्जे में ले लिया है और एक नया फ्रंटियर पैदा हुआ है। आप कैप्टन के रूप में खेलेंगे, जिसका उद्देश्य होगा अपने कंट्री की वाइब्रेंट और खतरनाक दुनिया को एक्सप्लोर करना। इसमें आपको हाईवे मैन नेम के जालिम गैंग से मुकाबला करना होगा, जिसमें ट्विन सिस्टर मिकी और लू है। आपको चैलेंजेस का सामना करना होगा, गन फाइट्स में हिस्सा लेना होगा और मिशंस को कंप्लीट करके अपने लोगों की सुरक्षा करना होगा। फार क्राई न्यू डाउन में आपको एक्सपेंडिशन मोड भी देखने को मिलता है, जहां आप अलग अलग लोकेशंस में मिशंस कंप्लीट करके रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। गेम में आपको वेपन्स, व्हीकल्स और टूल्स भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप कस्टमाइज और अपग्रेड कर सकते हैं। आप स्पेशलिस्ट को भी रिक्रूट कर सकते हैं, जो आपकी मदद करे हाईवे मैन के खिलाफ लड़ने में। इस गेम के विजुअल्स, इमर्सिव गेम प्ले और पोस्ट एपोकलिप्टिक सेटिंग का अनुभव बेहद मजेदार है। तो अगर आप ओपन वर्ल्ड एक्शन गेम्स या फिर फार क्राई सीरीज के फैन है तो फार क्राई न्यू डाउन आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है, जिसको आप को एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। बाकी यहां पर हम लोग बढ़ते हैं अपने लिस्ट में आगे की तरफ। तो गाइस, यहां पे जो हमारा 7th नंबर पे गेम आता है वो है
रेसिडेंट एविल विलेज। रेसिडेंट एविल विलेज रेसिडेंट एविल 7 बायोहजार्ड का एक डायरेक्ट सिक्वल है। गेम का सेटिंग एक रिमोट यूरोपियन विलेज में है जहां सुपर नेचुरल पावर्स और डरावने क्रिएचर्स हैं। आप इथन विंटर्स के रूप में खेलेंगे जो अपनी वाइफ मिया और डॉटर को ढूंढने के लिए इस विलेज में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसको डर और मौत का सामना करना पड़ेगा। गेम प्ले में आपको एक्सप्लोरेशन पजल्स और इंटेंस कॉम्बैट का सामना करना होगा। आपको वेपन्स और रिसोर्सेस कलेक्ट करके अपने सर्वाइवल के लिए तैयार रहना होगा। इसमें आपको डरावने बॉसेस और एनिमी से लड़ते हुए अपने स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का इस्तेमाल करना होगा। गेम के ग्राफिक्स और साउंड डिजाइन भी काफी इंप्रेसिव है। गेम का एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर आपको एक ईरी और टेंस फीलिंग देता है जिससे आपका एड्रेनालिन बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप हॉरर सर्वाइवल गेम्स के शौकीन हैं तो रेसिडेंट ईविल विलेज आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है। इसकी ग्रिपलिंग स्टोरी लाइन, इमर्सिव गेम प्ले और डरावने क्रिएचर्स आपको कुछ अलग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देंगे। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अपने लिस्ट में आगे की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा 6 नंबर पे गेम आता है वो है अ प्लेग टेल रिक्वीम। ये गेम ओरिजिनल गेम अ प्लेग टेल इनोसेंस का सीक्वल है। गेम की कहानी 14th सेंचुरी के फ्रांस में है जहां आप अमाइसिया और यूगो के रूप में खेलेंगे। ये दोनों बच्चे एक डार्क और प्लेग रिडन दुनिया में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। गेम प्ले में आपको स्टेल्थ पजल सॉल्विंग और नरेटिव ड्रिविंग एक्सप्लोरेशन का अनुभव मिलेगा। आपको स्वार्म ऑफ रैट्स से बचना होगा। गेम में आप लोग को ब्यूटीफुली डिजाइंड एनवायरनमेंट्स, इंट्रीग्यूइंग कैरेक्टर्स और इंटेंस मोमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। गेम के विजुअल्स और साउंड डिजाइन भी काफी इमर्सिव है। गेम का एटमॉस्फेयर डार्क और हॉन्टिंग है जिससे आपके इमोशंस और सस्पेंस इनहेंस होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हॉरर एडवेंचर गेम्स के शौकीन हैं तो अ प्लेग टेल रिक्वीम आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है। इसकी यूनिक स्टोरी टेलिंग, इंगेजिंग गेम प्ले और हॉन्टिंग वर्ल्ड आपको एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देगा। तो इस गेम को आप लोग को एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम लोग बढ़ते अपने लिस्ट में आगे की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा 5th नंबर पे गेम आता है वो है शेडो ऑफ टॉम रेडर। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि क्रिस्टल डायनेमिक्स और ईडस मॉन्ट्रियल द्वारा डेवलप किया गया है। शेडो ऑफ द टॉम रेडर लारा क्रॉफ्ट की एडवेंचर जर्नी का अगला चैप्टर है। गेम का सेटिंग सेंट्रल अमेरिका में है जो कि एंशियंट रुइंस, डेडली जंगल्स और सुपर नेचुरल डेंजर से भरा हुआ है। लारा को अपने सर्वाइवल स्किल्स और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने फादर के वारिस बनने का समय आ गया है। गेम प्ले में आपको एक्सप्लोरेशन पजल सॉल्विंग और इंटेंस कॉम्बैट का सामना करना होगा। आपको एंशियंट टॉम्स और हिडन सीक्रेट ढूंढने के लिए चैलेंजिंग मिशंस कंप्लीट करने होंगे। लारा के पास डाइवर्स वेपन्स, टूल्स और एबिलिटीज हैं जिसे वो अपने हिसाब से कस्टमाइज और अपग्रेड कर सकती है। शेडो ऑफ द टॉम रेडर के ग्राफिक्स और विजुअल डिजाइन काफी इंप्रेसिव है। गेम का एनवायरनमेंट, स्टनिंग लोकेशंस और डिटेल कैरेक्टर डिजाइन आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्तों, अगर आप एक्शन एडवेंचर गेम्स के शौकीन है तो शेडो ऑफ द टॉम रेडर आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है। इसकी इंगेजिंग स्टोरी लाइन, थ्रिलिंग गेम प्ले और जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स आप लोगों को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देंगे। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर पे गेम आता है वो है Gears 5। ये एक एक्शन पैक्ड थर्ड पर्सन शूटर गेम है जो कि कोलिशन द्वारा डेवलप किया गया है। Gears 5 Gears of War सीरीज का अगला चैप्टर है। गेम की कहानी केट डियास के चारों तरफ घूमती है जहां उसे अपने ट्रू ओरिजिन्स और फैमिली डार्क सीक्रेट्स का पता लगाना होता है। केट को अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप करके स्वाम और लोकस फोर्सेस के साथ लड़ना होगा जिससे ह्यूमैनिटी के बचाव का जवाब मिल सके। गेम प्ले में आपको थ्रिलिंग कॉम्बैट, इंटेंस फायर फाइट और टैक्टिकल कवर बेस्ड शूटिंग का अनुभव मिलेगा। आप अपने आर्सेनल में वेरियस वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स और एबिलिटीज का यूज करके अपने एनिमीज से सामना करेंगे। इसमें आपको सिंगल प्लेयर कैंपेन, कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर और कॉम्पिटिटिव मोड्स का भी आनंद मिलता है। गियर्स 5 के ग्राफिक्स और विजुअल डिजाइन काफी स्टनिंग है। गेम का एनवायरनमेंट पोस्ट एपोकलिप्टिक और ग्रिटी है जिससे आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसके अलावा गेम का साउंड डिजाइन और वॉइस एक्टिंग भी काफी बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर आप एक्शन पैक्ड थर्ड पर्सन शूटर गेम के शौकीन है तो गियर्स 5 आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है। इसकी ग्रिपलिंग स्टोरी लाइन, एड्रेनलिन पंपिंग गेम प्ले और जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देंगे। तो इस गेम को भी आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 3rd नंबर पे गेम आता है वो है कंट्रोल। ये एक माइंड बेंडिंग सुपर नेचुरल एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि रेमेडी एंटरटेनमेंट द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक यूनिक स्टोरी लाइन के साथ आपको एक मिस्टीरियस गवर्नमेंट एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल में ले जाता है। आप जैसे फेडन के रूप में खेलेंगे जिसके भाई की खोज के दौरान वो FBC के हेडक्वार्टर्स द ओल्डेस्ट हाउस में फंस जाती है। जैसे को अपने सुपर नेचुरल एबिलिटीज का यूज करके पैरानॉर्मल थ्रेट से लड़ना होगा और अपने भाई की खोज करनी होगी। गेम प्ले में आपको इंटेंस कॉम्बैट, माइंड बेंडिंग पजल्स और एक्सप्लोरेशन का अनुभव मिलेगा। जैसे के पास पावरफुल एबिलिटीज होंगी जैसे टेलीकिनेसिस और लेविटेशन जिन्हें वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। आपको FBC के एनिग्मेटिक वर्ड को समझना होगा और उसके सीक्रेट्स को खोलने के लिए वेरियस कलेक्टिबल्स और डॉक्यूमेंट्स ढूंढने होंगे। कंट्रोल का विजुअल्स और एटमॉस्फेयर काफी इंट्रीग्यूइंग है। द ओल्डेस्ट हाउस का डिजाइन और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। इसके अलावा गेम का साउंड डिजाइन और वॉइस एक्टिंग भी काफी काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, अगर आप माइंड बेंडिंग सुपर नेचुरल गेम्स के शौकीन है तो कंट्रोल आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है। इसकी कैप्टिवेटिंग स्टोरी लाइन, यूनिक गेम प्ले और एटमॉस्फेरिक वर्ल्ड आपको एक अनफॉरगेटेबल जर्नी देगा।
तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अपने लिस्ट में आगे की तरफ। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर पे गेम आता है वो है नीड फॉर स्पीड हीट। ये गेम आपको पाम सिटी के वर्चुअल स्ट्रीट्स में ले जाता है जहाँ इलीगल स्ट्रीट रेसिंग और इंटेंस पुलिस चेसेस होते हैं। आप एक स्ट्रीट रेसर के रूप में खेलेंगे जिसने डे और नाइट रेसिंग वर्ल्ड में अपनी जगह बनाई है। आपको अपने रेसिंग स्किल्स को दिखाकर रेपुटेशन कमाना होगा, लेकिन संभाल के क्योंकि कॉस्ट भी आपके पीछे पड़े होंगे। गेम प्ले में आपको हाई स्पीड रेसिंग, कार कस्टमाइजेशन और थ्रिलिंग पुलिस परसूट्स का अनुभव मिलेगा। आप अपने ड्रीम कार्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। आपको डाइवर्स रेस इवेंट्स और चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे जिससे आप अपनी रेपुटेशन और कैश को बढ़ा सकते हैं। नीड फॉर स्पीड के विजुअल्स और साउंड डिजाइन काफी इंप्रेसिव है। गेम का एनवायरनमेंट वाइब्रेंट और डिटेल्ड है जहां आपको रात के दौर में नियॉन लाइट स्ट्रीट्स का मजा मिलेगा। इसके साथ गेम का साउंड ट्रैक भी एड्रेनालिन पंपिंग और आपके रेसिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। तो दोस्तों अगर आप रेसिंग गेम्स के शौकीन हैं तो नीड फॉर स्पीड हीट आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है। इसके थ्रिलिंग रेसिंग मैकेनिक्स, इमर्सिव वर्ल्ड और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको एक एड्रेनलिन फ्यूल्ड एक्सपीरियंस देंगे। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहां पर हम लोग बढ़ते हैं अपने लिस्ट में आगे की तरफ। सो गाइस यहां पे जो हमारा लिस्ट में पहले नंबर का गेम निकल के आ रहा है वो है मार्वल एवेंजर्स। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो क्रिस्टल डायनेमिक्स और स्क्वायर एनिक्स द्वारा डेवलप किया गया है। ये गेम एक एक्शन पैक सुपर हीरो एक्सपीरियंस है जिसमें आप अपने फेवरेट मार्वल के एवेंजर्स सुपर हीरो के रूप में खुद को महसूस कर सकते हैं। इस गेम में आपको एवेंजर्स की टीम ज्वाइन करके दुनिया को खतरे से बचाने के लिए लड़ना होगा। आपको कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हल्क एंड ब्लैक विडो जैसे आइकॉनिक सुपर हीरोज का रोल प्ले करने का मौका मिलता है। हर सुपर हीरो का अपना यूनिक पावर सेट और एबिलिटीज होते हैं जिससे आपको अपने एनिमीज के साथ लड़ते समय मदद मिलती है। ये गेम सिंगल प्लेयर कैंपेन मोड के साथ साथ कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर मोड भी ऑफर करता है। आप अपने दोस्तों के साथ टीम बनाकर ऑनलाइन खेल सकते हैं और दुनिया भर के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। कोपी मोड में आप एवेंजर्स के लिए अलग अलग मिशंस कंप्लीट करके उनको और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इस गेम के ग्राफिक्स और विजुअल्स बहुत ही इंप्रेसिव है। हर करेक्टर का डिटेलिंग और कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुत ध्यान से किया गया है जो गेम को और भी ज्यादा इमर्सिव बनाता है। गेम प्ले फ्लूड है और आपको एवेंजर्स के आइकॉनिक अटैक्स और पावर्स का मजा आने वाला है। मार्वल एवेंजर्स में आपको एक इमर्सिव स्टोरी लाइन मिलती है जिसमें आप एवेंजर टावर, हेली कैरियर एंड और भी आइकॉनिक लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको दुनिया भर के विलन्स जैसे टास्क मास्टर, एबोमिनेशन, मोडोक और एम से लड़ते हुए एक्साइटमेंट का फुल डोज मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप एक मार्वल के फैन है तो मार्वल एवेंजर्स आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम है। इस गेम के थ्रू आप अपने फेवरेट सुपर हीरोज के रूप में एक एपिक एडवेंचर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। सो गाइस ये थे हमारे आज की वीडियो के टॉप 10 हाई एंड पीसी गेम्स। तो ये गेम्स यार आप लोगों को कैसे लगे एंड आप लोगों ने कौन कौन से गेम्स पहले खेल रखे हैं एंड कौन से गेम जाके ट्राई मारने वाले वो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।